नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांठ के बारे में, जो शरीर के किसी भी भाग में निकल जाती है और ये बहुत ही मुलायम होती है। इसे हम घरेलू उपचार से ठीक कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान उपाय है। आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं कि ये गांठ क्या है और ये कैसे दिखती है। आपने कई लोगों के हाथ या पैर या शरीर के किसी भी हिस्से पे एक नरम या कोमल गांठ देखी होगी। ये गांठ होती है जो थोड़े उभरे उभरे से लगते हैं, कभी कभी सिर पे भी या फेस पे कहीं पे भी निकल जाते हैं। यह त्वचा के ठीक नीचे बढ़ती है और एक अंडाकार गांठ जैसी गोलानुमा होती है। इसे हम लिपोमा बोलते हैं। यह फैट से बनती है और इसे छूने पर आसानी से हिल सकती है। दोस्तों, इसे हम घरेलू उपचार से ठीक कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लेंगे आटा और शहद। आटा और शहद की मदद से हम ये गांठ यानी लिपोमा को ठीक कर सकते हैं। आटा और शहद को एक मात्रा में लेना है, यानी अगर आप एक चम्मच आटा ले रहे हैं तो एक चम्मच शहद लेना है। दोनों को अच्छी तरह से मिला लेना है और एक लेप तैयार करना है। लेप को अच्छे से तैयार करने के बाद आपके शरीर में जहाँ भी गांठ है उस पर इसे अच्छी तरह से लगा लेना है। फिर इसे 2-3 घंटे के लिए रहने देना है। 2-3 घंटे के बाद जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो हमें इसे हटा लेना है। ऐसा आपको 2 सप्ताह तक नियमित रूप से करना है। इसे आप सुबह ही करें तो ये ज़्यादा फायदा रहेगा। तो आइए जानते हैं दूसरे तरीके के बारे में। दूसरा और बहुत ही कारगर, यानी बहुत कम समय में, बिल्कुल 1 सप्ताह में ठीक करने वाला तरीका है कचनार की छाल। तो आप देख सकते हैं कचनार के पेड़ में जो छाल लगी होती है, इसको अच्छी तरह से कूट कर, और ये अगर सूखा नहीं भी हो तभी भी इसे बारीक पीस लेना है हमें, और इसकी मदद से हम ठीक करेंगे हमारे शरीर में जो गांठ है उसे। तो सबसे पहले 1 गिलास पानी लें और इसमें 1 चम्मच आपको डालना है ये पिसे हुए कचनार की छाल। उसके बाद इसे 4 से 5 मिनट के लिए चूल्हे पर उबाल लेना है। अच्छी तरह उबल जाए तो इसे छान के 1 ग्लास में हल्का गुनगुना होने पे रात में सोने से पहले आपको पीना है। इससे बहुत ही जल्दी गांठ छूट जाती है। दोस्तों, तीसरा कारगर उपाय है हल्दी। हल्दी के बारे में हम सभी जानते हैं कि एक एंटीसेप्टिक और एंटीमाइक्रोबियल एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से भरपूर होता है। दोस्तों, ये शरीर में सूजन या कोई भी गांठ या कोई भी इस तरह की परेशानी होती है, कोई भी इन्फेक्शन होती है, इसे दूर करने में बहुत ही कारगर होता है। इसे आप अपने रात में शामिल करें। जैसे रात में आप इसे गुनगुना दूध में, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाएं और इसे नियमित पिए। दूसरा, आपको रात में इसे सरसों तेल में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाकर लेप तैयार करना है, और इस लेप को जहाँ भी आपकी प्रभावित एरिया है, जहाँ पे आपको गांठ निकली है, उसमें लगा देना है अच्छी तरह से और इसे रात भर रहने देना है और वैसे ही सो जाना है। इससे आपको बहुत ही जल्दी जो आपकी गांठ बन रही है उससे छुटकारा मिलेगी। दोस्तों, चौथा जो तरीका है वो है सेब का सिरका। सेब का सिरका लिपोमा को यानी गांठ को दूर करने में काफ़ी ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, इसे दिन में किसी भी समय आपको जहाँ भी गांठ है, जहाँ भी प्रभावित एरिया है, जहाँ जहाँ शरीर पे गांठ बनी है, वहाँ पे इसको जैसे मसाज करते हैं, वैसे सेब का सिरका से गांठ पे हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। इसे आपको 5 से 6 मिनट तक मसाज करना है। इससे भी गांठ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं और ये बहुत ही असरदार तरीका है। अगर आपके पास सेब का सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह पे जो नींबू होता है ना, नींबू उसका रस आप उसके जगह पे प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, पांचवा जो तरीका है लिपोमा से छुटकारा पाने का और गांठ को दूर करने का, वो है गिलोई। ये बहुत ही असरदार तरीका है। अगर आपके घर में गिलोई है या फिर आप बाज़ार से इसे ले आएँ, तो इसे आपको क्या करना है, पानी में उबालना है, उबालकर और इसे हमें पीना है सुबह और शाम। इससे बहुत ही जल्दी जो गांठ है वो दूर हो जाती है। ये बहुत ही गांव घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है इसकी झाड़, तो आप वहाँ से इसके जो ये हैं गिलोई हैं वो तोड़कर ला सकते हैं।
लकड़ी और इसको उबालकर आप सुबह शाम एक ग्लास पिए गुनगुना पानी। नहीं तो अगर जिनको उपलब्ध नहीं है वो बाज़ार से भी इसे खरीद सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, ये सारे तरीके आपको कैसे लगे हैं? अगर आपको इसे लाभ मिल रहा है तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल के साथ, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें वीडियो को और कमेंट करें। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। अपना ख्याल रखें।